गरियाबंद का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी अव्यवस्थाओं के चलते हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है और एक बार फिर यहां से डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते यहां एक मां और बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जानकारी के अनुसार बच्चे के जन्म के बाद मां और बेटे दोनों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, पर डॉक्टर ने ऑक्सीजन नहीं दिया जिससे बच्चे की मौत हो गई, जबकि डॉक्टर ने डिलीवरी के समय गलत नली काट दी थी जिससे महिला का ढेर सारा खून बह गया। जिसके बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखकर महिला को धर्मगढ़ रेफर कर दिया, जहां पर उड़ीसा के डॉक्टरों ने प्रसूता को मृत घोषित कर दिया। मृतकों के परिजनों की माने तो अगर समय रहते डॉक्टरों ने सही इलाज और देखरेख की होती तो प्रसूता और नवजात दोनों बच गए होते। 9:26 डिलीवरी हुआ, डिलीवरी होने के बाद बच्चा रोया, उसके बाद बच्चा चुप हो गया, तो डॉक्टर लोग बताया कि इसको ऑक्सीजन लगेगा। तो फिर आधा घंटा के बाद ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन लाते लाते बच्चा मर चुका था। इसके बाद नाभि काटते समय ऐसा कौन सा जगह काट दिए थे जो कि ब्लडिंग हो रही थी मेरे बहू को। कौन डॉक्टर काटा? ये डॉक्टर शैलेश द्वारा। तो फिर हमको बोला कि नहीं रिफर करना पड़ेगा, आप लोग धर्मगढ़ ले जाओ बोला, तो हमको रिफर किया। तो हम लोग धर्मगढ़ ले जा रहे थे, रास्ते में खत्म हो गया, मैंने धर्मगढ़ पहुँचते मर चुका था।